इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर हम आपको बताएं कि आज सुबह से करनाल के कई गांवों में आग लगातार फैलती जा रही है, किसानों के खेतों में आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद आप तस्वीरें देखते हैं कि सूचना मिलते ही तमाम बड़ी तेजी से ये आग फैल रही है। पानी से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है। सूचना मिलते ही तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर है। हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों की खबर को शेयर करें। हजारों एकड़ में यह आग फैलती जा रही है। करनाल के कैथल सीमा से शुरू हुई आग असंध तक फैलती हुई नजर आ रही है। देखते हैं मौके पर तुरंत असंध डीएसपी मौके पर है। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि आग बहुत ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं जिस तरह से तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। आप देख सकते हैं किस तरह से आग फैलती फैलती यहां तक पहुंच चुकी है। किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्फाने किस तरह से जलकर राख होते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोगों से अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें, अपना अपना बचाव जरूर करें। आप देख सकते हैं बहुत ही तेज हवा यहां पर चल रही है और आग बहुत ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि आग किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है। किसान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है उसको बचाने की, लेकिन हवा इतनी तेज है कि आग बड़ी दूर दूर तक फैलती हुई नजर आ रही है। हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किसान काफी ज्यादा परेशान है। पाजी बहुत ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ। कुछ नहीं रहा, छोटा आज सारे आग दो तूड़ी बनाने वाली पड़ी थी, सब कुछ सर गया जी। कब से आग लगी हुई थी ये? तो मेरे ख्याल 3-4 घंटे से कोई फायर नहीं आई यहाँ पर, कोई आगे देखा नहीं किसी ने भी। अब तो सर जल के सब कुछ राख हो चुका है। कितने किसानों की जमीन है? हजारों एकड़ खत्म हो गई बिल्कुल पूरे एरिया की। पूरा कैथल से पुंडरी से निसंग ये तो अपना डाचर गोंदरबरना का डेरा मरीजों का डेरा शेखपुरा मंचूरी जलमाना ये सारे पूरे एरिया में बिल्कुल खत्म कर दिया जी। कुछ नहीं छोड़ा, बहुत नुकसान, डेरों का नुकसान हुआ, माल डंगर बहुत नुकसान, तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों से अपील है कि किस तरह से बचाव किया जाए। आग लगातार फैलती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें तुम्हें लाइव देख सकते हैं किस तरह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ और किस तरह से बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है किसानों को। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस समय कोशिश करें। बहुत ज्यादा नुकसान कैथल से शुरू हुई थी आग और किस तरह से आप देख सकते हैं कि कहां तक फैलती हुई नजर आ रही है। तेज हवाएं चल रही हैं, काफी ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हम आपको बताएं कि इस समय मंचूरी गांव में मौजूद है जलमाना के पास कैथल के आवड़ी गांव से यह आग शुरू होती है और फैलते फैलते आप देख सकते हैं कि किस तरह से विकराल रूप धारण कर लेती है। ये आप देख सकते हैं कि सीधी रोड तक ये आग फैलती हुई नजर आ रही है और हम देख सकते हैं किस तरह से हवाएं कई किलोमीटर तेजी से रफ्तार से चलती हुई नजर आ रही है। करनाल के असंध रोड पर इस समय मौजूद है जहां की तस्वीरें समय आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा आग फैलती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें देख सकते हैं। इतनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं है कि आग पर काबू पाया जा सके। आग लगातार कई कई किलोमीटर दूर पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ और तेज हवाएं चल रही है। किस तरह से डीएसपी साहब मौके पर मौजूद है खुद सभी लोगों को निर्देश देते हुए ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। तो जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में सीधा मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से मंचूरी गांव के पास जो है कितनी तेजी से ये आग फैलती हुई नजर आ रही है। बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चल रही है जिसकी वजह से कैथल से लेकर लगातार यह आग बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई भी जो है फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं है, बुझाने की कोशिश नहीं की जा रही। हालांकि डीएसपी असन जो है मौके पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही तेज हवाएं चलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आग जो है बढ़ती ही जा रही है। कैथल से जो आग शुरू हुई थी वो यहां तक करनाल के पास जो शेखपुरा गांव है, मंचूरी गांव है, वहां तक जो है आग फैल चुकी है। तो हमारी आप सभी से इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि प्रशासन तक की बात पहुंच सके और जल्द से जल्द आग को बुझाने के प्रबंध किए जा सके। तो ये देखा कि किस तरह से बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि आग को बुझाया जा सके। पुलिस की तमाम अधिकारी मौके पर है, लेकिन हवाएं इतनी ज्यादा तेज है कि आग पर काबू नहीं पाया जा रहा क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज है और सूखे फाने होने के कारण, सूखी फसल होने के कारण आग आप देख सकते हैं लगातार बहुत ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। तभी अधिकारियों से अपील की जा रही है लोग बचाव का रास्ता अपनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो आग लग रही है उस पर बचाव किया जा सके। इस समय आप देख सकते हैं कि डीएसपी साहब मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि लोगों से अपील करते हुए उनके जो पशु हैं उनको बाहर निकालते हुए आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भयानक हवा चलती हुई और आग लगातार फैलती हुई। सूचित करते हुए किस तरीके से ये आग कैथल से शुरू होकर तेज हवाओं के कारण यहाँ शेखपुरा तक पहुंच सकती है।